Today I am going to discuss about the color blindness. Color blindness is what? ऐसी बीमारी कलर का डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता, हरा नीला इन सब में वो डिफरेंस नहीं कर पाता, लाल। अब ये हरा नीला लाल ही सबसे इंपॉर्टेंट है पीला। जैसे रेलवे के सिग्नल है, अगर ड्राइवर कलर ब्लाइंड है तो एक्सीडेंट कर देगा, जितने भी कार ड्राइवर्स हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे अगर ऐसा रहा तो, उन्हें कलर ब्लाइंड रहा तो। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों होता है? 11th में आपने पढ़ा था हमारी आंखों के अंदर रॉड्स एंड कोन्स होते हैं। तो होता क्या है, हमारी आंखों के अंदर जो रेड और ग्रीन कोन्स हैं वो उनमें फेलियर आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। तो ड्यू टू द डिफेक्ट इन इधर रेड और ग्रीन कोन्स ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट डिफरेंट कलर बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर स्पेशली। ये रेड और ग्रीन का स्पेशली कलर ब्लाइंडनेस होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब ऐसा क्यों हो जाता है डिफेक्ट? म्यूटेशन। मैं म्यूटेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप वीडियो में देख सकते हो क्या होता है म्यूटेशन। ओके, दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स, और वो जीन एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, और एक्स क्रोमोसोम फीमेल में तो दो होते हैं, मेल में जो एक्स क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं? सिंगल। क्यों? सेक्स क्रोमोसोम में मेल का एक्स वाई होता है, फीमेल का एक्स एक्स होता है। अगर एक एक्स पे आ भी गया फीमेल में तो दूसरा एक्स तो उसका बचा पड़ा है, वो तो झेल लेगी, उसे नहीं होगा ये कलर ब्लाइंड। लेकिन अगर मेल में आ गया तो उसका एक ही एक्स है और उस पे ही डिफेक्ट आ गया, जीन पर म्यूटेशन हो गया, तो कलर ब्लाइंड होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। जब मैंने अभी एक्स वाई और एक्स एक्स का डिफरेंट बताया तो आप मुझे ये बताइए, ये मेल में ज्यादा पाया जाता होगा या फीमेल में ज्यादा पाया जाता? Come on, tell me, किसमें ज्यादा होगा, मेल में या फीमेल में? एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। जब मेल में एक ही एक्स है तो उसे तो होना ही होना है, ठीक है, अगर डिफेक्ट आया तो। फीमेल में अगर दो एक्स है तो फिर भी बच्चा रहेगा, तो किसमें ज्यादा हुआ? तो मेल। तो ये आप नोट कर लेना, इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल एंड अबाउट 0.4% ओनली 0.4% आधा परसेंट भी नहीं हुआ इन फीमेल, ठीक है। क्यों ऐसा है? अभी मैंने आपको बताया था, दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन कलर जिस जीन से बनता है, रेड और ग्रीन कलर वाला आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम। Males have only one X chromosome and female have two. ठीक है, अब देखिए, the son of a woman who carries the gene has a 50% X और 50% दूसरा X. एक जो X है उस पे वो problem है, ठीक है। तो the son of a woman who carries the gene has a 50% chance of being color blind. क्यों 50% chance होता है? आधे एक्स पे होगा, आधे एक्स पे नहीं होगा डिफेक्ट, तो आधा एक्स सेफ है तो वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी। वो कैसी होगी? वो कैरियर होगी, उससे उसके बच्चे में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका जो बेटा होगा, द सन ऑफ ए वुमेन कैरीज द जीन हैज ए 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। अगर किसी लेडी को प्रॉब्लम है तो उसका जो बेटा है 50% चांसेस आ जाते हैं, क्योंकि क्या पता बेटे में जो एक्स क्रोमोसोम माँ से आ रहा है या पिता से आ रहा है। अगर माँ वाला आ गया एक्स क्रोमोसोम तो क्या होगा, कलर ब्लाइंड वाला नहीं आया तो वो सेफ है, और अगर डिफेक्ट वाला आ गया तो उसे प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अगली बार, मदर
कैरियर होती है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब जो एक बेटी है, सपोज करो ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड, क्यों नहीं होगी, नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होगी, ठीक है। कब वो कलर ब्लाइंड वो डॉटर हो सकती है, अगर उसका पापा भी कलर ब्लाइंड हो तो उसमें एक एक्स हो गया, वो कलर ब्लाइंड वाला है, और उसकी मम्मी कैरियर हो, उसकी मम्मी का भी एक एक्स पे कलर ब्लाइंड है, तो अगर मम्मी का डिफेक्टेड जीन एक्स और पापा का डिफेक्टेड जीन एक्स दोनों आ गए तो दोनों जीन एक्स एक्स डिफेक्टेड है। अब दोनों एक्स डिफेक्टेड है तो फीमेल कलर ब्लाइंड होगी या कैरियर या नॉर्मल? कलर ब्लाइंड सर। ठीक है, अगर उसमें पापा का तो एक्स वो आ रहा है डिफेक्टेड वाला, मम्मी का एक्स नॉर्मल वाला आ रहा है, तो वो कलर ब्लाइंड होगी या कैरियर होगी या नॉर्मल? सर कैरियर। बिल्कुल सही जवाब। तो कलर ब्लाइंड, हमने जो इसकी डिटेल दी, कलर ब्लाइंड में हमारा मेन फोकस किस चीज पे रहा कि रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखता उसको, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। अब उसे रोड क्रॉस करना है या कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाने में साइड में वो लाल बत्ती जली हुई है, क्या उसे दिखेगी वो रेड लाइट? नहीं दिखेगी, वो तो क्रॉस कर देगा, मरवा देगा फालतू। तो इन लोगों को ड्राइविंग के लाइसेंस भी नहीं मिला करते, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में मैंने आपको बताया, और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगला वाला डिसऑर्डर मैं आपको दूंगा हीमोफीलिया के बारे में, जो पूछना हो आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। बाकी सबको समझ में आ गया, अब आप इसके नोट्स बनाइए।